Amen.
और
सबसे बढ़कर ये कि हम कुरान के साथ एक ऐसा रिश्ता बना रहे हैं कि जब कयामत के दिन हमारा नबी अल्लाह की बारगाह में शिकायत करे कि ऐ अल्लाह है मेरे रब, ये जो मेरी कौम खड़ी है, ये जो मेरी उम्मत खड़ी है, इसने कुरान को छोड़ दिया था, तो हम उस शिकायत की जद में न आए। तो मैं आपके सामने जो आयत पढ़ी है फातिहा की आयत नंबर 6, आप सब नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज में दो मरतबा पढ़ते हैं, क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमारी हिदायत फरमा उस सीधे रास्ते की तरफ जो बिल्कुल सीधा है, कोई टेढ़ा पलक उसमें नहीं। ये हर नमाज में इंसान दुआ मांगता है। सूरतुल फातिहा अगर आप गौर करें तो दुआ है, वाज़े है, सूरतुल फातिहा दुआ है। दुआ का अदब ये है कि जिससे दुआ मांगनी है पहले उसकी तारीफ की जाए, पहले उसके सामने इकरार किया जाए कि अगर तूने ना मसला हल किया तो मैं कहा तू बड़ा है, तू मालिक है, तेरे सामने झुकता हूँ, तुझसे मांगता हूँ। ये सब क्या है? ये मुकदमा है। जब कोई फकीर जाता है किसी के दरवाजे पर तो जो अकलमंद फकीर हो वो पहले मांगता नहीं, वो पहले दरवाजे पे खड़ा होकर जिनका दरवाजा है उनकी तारीफ करता। बड़े सफियों का दरवाजा है, इस दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। बना मसल आयमा ने भी अपनी रिवायात में दुआ का जो अदब सिखाया है उसने फरमाया कि जब दुआ मांगने जाओ अल्लाह की बारगाह में तो शुरू करते ही अपनी हाजत ना मांगो, पहले अल्लाह की हम्द व सना। क्यों भला? जब किसी करीब की हम्द व सना की जाए तो उसके कर्म को और जोश आता। जब किसी करीब को ये एहसास दिलाया जाए कि मैं तेरे पास आया हूँ, मेरे पास और कोई जगह नहीं है, तो और उसके कर्म को कहिए तो सबसे कट के मेरे पास आया था, मेरी मेरा कर्म मेरी बुजुर्गवारी के शायान शान नहीं है कि जाके बताए कि मैं जिसके पास गया था उसने मुझे ऐसे भेज। ये आयना ने दुआ का तरीका बताया और अल्लाह ने इस दुआ में जिसका नाम अल फातिहा है, फातिहा की किताब है, पहले जो हमको सलाह करवाई है असल में इस दुआ का मुकदमा है। सारी हमको सलाह करने के बाद अल्लाह को मालिक समझने के बाद इबादत में तौहीद, अल्लाह से ही मदद लेने में तौहीद, ये सारा कुछ खुदा के सामने इकरार करने के बाद अल्लाह ने सिखाया इसकी तरफ। अल्लाह ने सिखाया है क्या मांगो मुझसे, क्यों? अगर कोई बच्चा इम्तिहान में अच्छे नंबर ले, कोई किसी कंपटीशन में जीते और कोई बहुत बड़ा अफसर उसको बुलाए, बच्चा छोटा हो, माँ बाप को पता हो कि जिसने बुलाया है वो बच्चे से उसने पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है? ये तो बच्चा है, ये तो छोटी मोटी गाड़ी मान लेगा, कोई गुड़िया मान लेगा, कोई प्लान मान लेगा। तो वो माँ या बाप बच्चे को समझाते हैं कि अगर गाड़ी वाड़ी जो भी चाहिए वापस आके आपसे ले लें, लेकिन ये जिसके पास जा रहे हो तो ये बहुत बड़ा है, बहुत कुछ दे सकते, ठीक है? तो इससे फलाह चीज मांगना, यानी बड़ी अकल वाले छोटी अकल वाले को गाइड कर रहे हैं कि छोटी अकल से खराबी करके ना आ जाए,
लिहाजा अल्लाह ने भी जो दुआ सिखाई है अपनी हमको सलाह सब कुछ कराने के बाद, फिर ये भी कहा इसके बाद बंदे का जो दिल चाहे ना हो। और वो चीज मांगने का अल्लाह ने हुक्म दिया है जो अल्लाह की नजरों में बंदे के लिए सबसे ज्यादा अहम है बाकी तमाम चीजों के मुकाबले। और अल्लाह सिर्फ सूरतुल फातिहा में रखने पर राजी नहीं हुआ, हिदायत के सवाल को सूरतुल फातिहा में रखा, एक ही चीज हिदायत चाहिए, सूरतुल फातिहा में रखा, फिर सूरतुल फातिहा को उठा के नमाज में रख दिया। और नमाज में भी एक बार पढ़ने पर राजी नहीं हुआ, कहा तूने हर नमाज में जब भी तेरी बारगाह में आना है तूने एक दफा भी नहीं दो दफा कम से कम मुझसे सवाल करना है। इस निगाह से भी आपने देखा सूरत फातिहा तब दुरूद के अलावा फूके छूके मारने के अलावा कि सूरत फातिहा क्या है? तलब हिदायत। और तलब हिदायत भी सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे लिए, एक दिन नी नहीं एक दिन ना एक दिन नी होता है मुझे हिदायत, एक दिन ना होता है हमें हिदायत। और अल्लाह ने यह भी इजाजत दी कि कोई बंदा अकेले नमाज पढ़ रहा होगा और कोई भी नहीं है तो वहां पर कह दे अल्लाह मेरी हिदायत कर दे, चाहे तो अभी अकेला भी है। इस्लाम वो मजहब नहीं है जो सिर्फ तुझे अपनी फिक्र करना सिखाए, इस्लाम वो दीन है कि तूने अपनी निजात का भी सोचना है बाकियों की निजात का भी सोचना है। और इमाम हुसैन को मानने वाले को तो ये बात और वाजिब हो जाए, इमाम हुसैन ने इंसानियत की लोगों की उम्मत की निजात के लिए कुर्बानी, अब वो कदर करें या ना करें उनका मसला है, लेकिन तो इमाम हुसैन से तवक्को थी वो निकाल दे। तो सूरतुल फातिहा खुलासा अभी तक की बात, सूरतुल फातिहा क्या है? दुआ। क्या बात में सिखाया गया? एक चीज क्या हिदायत, दिन में 10 बार कम अज कम, दिन में नमाज पढ़ने वाला कम अज कम कितनी बार? 10 बार। बंदा सोचता तो है कि ये इतनी अल्लाह ने ताकीद की है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है पीछे बताओ ना। और यहां पर हुस्न ये है जो तरतीब अल्लाह के नबी ने सूरतों की रखवाई उसके मुताबिक अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से काम करवा, तो बंदे ने इधर हिदायत का सवाल किया और अल्लाह ने फरमाया तूने हिदायत मांगी थी, ये पूरा कुरान तुम्हें दे रहा हूं, ये सारा का सारा क्या है? मुदल्लिनास, लोगों के लिए हिदायत। ये जिस महीने की आज में की तारीख है माह रमजान, अरबी में महीने कहते हैं शाह, तो कुरान क्या फरमाता है? शहर रमदान, रमदान का महीना कौन सा महीना? अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, ये अल्लाह माह रमजान की अजमत बयान है। माह रमजान की अजमत क्यों है किसी को समझ आती है ना आती, लेकिन मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने रिवायत के मुताबिक इमाम ने फरमाया कि माह रमजान की अजमत का सबब असल सबब रोजे नहीं। हम सुन क्या सवाल करें कि माह रमजान क्यों अहम है, आप क्या कहेंगे? रोजों की वजह से? ऐसा नहीं, माह रमजान की अजमत का सबब नाम ने फरमाया असल सबब रोजे नहीं है। माह
रमजान की अजमत का असल सबब यह है कि अल्लाह ने कुरान इस महीने में नाजिल किया। ऐसी किताब है कि जिस महीने में नजूल हो रहा है वो महीना अजीम हो। अब इस अजमत के एहतराम के लिए एक प्रोटोकॉल अल्लाह ने बना दिया कि रोजे रखते हैं। और बहुत बड़ी हिम्मत है, तवज्जो कीजिए, आम चीज नहीं है। इस निगाह से फिर देखिए क्यों रोजे रख पाए, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के बदन की गिजाएं जमीन में रख दी है, जो मैं और आप 24 घंटे लगे होते हैं इंतजाम करने में। लेकिन इंसान की जो हकीकत है उसके रूह वो खुद भी ऊपर से आई है और उसकी गिजा भी ऊपर से आई है। बदन खुद भी जमीन से बना है, इसकी गिजा भी जमीन से। बंदा अपने बदन का ख्याल रखने के लिए दौड़ धूप करता है, लेकिन वो तो असल हकीकत है इंसान की उसकी रूह, जो बदन के फना होने के बाद भी रहेगी, और वही असल इंसान है, उसकी गिजा का ख्याल नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, फरमाया मैंने जिस महीने में तुम्हारी रूह की गिजा अजीम तरीन गिजा हासिल की है, अब उस महीने का एहतराम यह है कि इस महीने में बदन की गिजाओं पर कंट्रोल करो ताकि इस गिजा की तरफ पहुंचो। तुम्हें तुम्हारा मतलब फिक्र ही बदल दी हो, ये करूंगा तुम ये खाऊंगा, सुबह नाश्ता किया फिर चाय पी फिर दुकान में खाना खाया फिर शाम को कहा कि वो हाई टी की अब तो मिलती है फिर डिनर किया तो फलाद किया दरमियान में जो चीज नजर आ रही उठा कर मिटा ली। लेकिन इसके मुकाबले में रूह के लिए तुम क्या सोचते हो? लिहाजा अल्लाह ने जब रूह की गिजा का एक महीना मखसूस किया तो फरमाया अब मेरे दस्तरखान पे आकर बैठो, तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें शाबानी आपको सुना हो, तुम्हें अपना मेहमान बना रहा हूं, लेकिन इस दस्तरखान पे जिसने बैठना है अपना जानवर बाहर बांध दिया है, जिसको अरुण चलने की आदत है उसको शहर से लेकर इफ्तार तक बांध दो, उसको कुछ नहीं, ताकि तुम्हारी रूह की गिजा रूह अपनी गिजा के लिए आबाद हो सके। तो ये माह रमजान का माहौल इसलिए फरमाया गया, माह रमजान कुरान करीम की बहार का महीना, कुरान करीम की बहार का महीना। तो ये हमारा दर्श जो है वो कुरान मजीद की हिदायत से खुद को करीब करने के लिए। हम जो सूरह बकरा की आयात पढ़ रही है, लेकिन आज के दिन आपके जहनों को उन आयात के समझने के लिए तैयार करने के लिए एक दुआ आपको सुना दी, बहुत अहम दुआ है। दुआ छठे इमाम इमाम जाफर सादिक इमाम ने सारा दीन बताया है
के अल्फाज मुझे इन सिफात वालों से दोस्ती करने की तौफीक दी। दुआ मांग दुआ मांग के साथ बता रहे कि इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। अल्लाह फलाह सिफात वालों के साथ उनकी महफिलों में बैठने की मुझे तौफीक ना दे। ये दुआ मैं आपके सामने पढ़ते रहता हूं। ये छठे इमाम की दुआ है। कब माना करते थे? जब कुरान खोलते थे पढ़ते थे। अब आप माशाल्लाह और इंशाल्लाह समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, दीनी माफे बजा रहे जरूर माशाल्लाह आप सुनते रहते। आप इस दुआ को गौर से सुनो और ये देखिए कि जो कुरान पढ़ने का अंदाज इस दुआ के इमाम अल्लाह से मांग रहे हैं, आया वो लोग वो कौम के जो अहले बैत से दीन सीखती है, जो कौम ये कहती है कि हम दीन इस्लाम रसूलुल्लाह के खानदान से लेते हैं। इस दुआ में जो तिलावत कुरान की बताई गई है और जो कौम का कुरान पढ़ने का तरीका है वो आपस में मैच करता है या आपस में मैच नहीं। बात समझ आ रही? इमाम अल्लाह से बता रहे यार मुझे किस तरह किस तरह किस तरह कुरान पढ़ने की तौफीक दी और उस तरह उस तरह उस तरह मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक ना दे। और जिसने इमाम अल्लाह की पना मांगने की या अल्लाह इस तरह कुरान पढ़ने की तौफीक ना देना मुझे, तो हम अब क्या देखेंगे कि जिस तिलावत से इमाम अल्लाह से पना मांग रहे हैं हम उस तरह कुरान पढ़ते हैं या जिस तिलावत की इमाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं हम उस तरह कुरान पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपका क्या आइडिया है विश्वास करने से पहले उस तरह होगी जिस तरह इमाम कुरान बताएंगे या उस तरह की तिलावत है हमारी जिससे बचने का इमाम होगा, आपको क्या आइडिया हो जाएगा जी? जिससे इमाम रोकना चाहते हैं वो कर दो। हमें आइडिया है एक कागज दो उसके ऊपर लिखा हो अलवा कागज
ये जिसने आपको लिख के दिया उसने कहा अल्लाह क्या कर मीठा कर रहा है, इसके गड्ढे लगाने से तो मीठा नहीं होगा। बेचारे मुसलमान तोते बजा दिए, ये सब इतने कहने से मीठा नहीं होता। अगर आप अकल से सोचेंगे आपको बात समझ आए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कौन सी जुबान बोल रहा हूं, आपको समझ आती है कि नहीं आती, ठीक है। अगर उर्दू जुबान मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूंगी आप सवाल पढ़ें आसान पढ़ेंगे, क्यों आपको समझ आएगी? अगर मैं आपसे कहूँ सवाल पढ़ेंगे आप भी कैसे बात पढ़ेंगे, मैं भी यहां पर क्या सवाल पढ़ू, आप भी मैं यहां पर क्या सवाल पढ़ू, जो मैं चार बात नहीं करें अगर दीन अहले बैत से लेते हैं तो कहां से
दिन भी बेशक मैं अशहद करने वाला बताया अपनी तरह
तरफ से अपने बंदों की। उन्होंने कहा है कि कुरान मेरी तरफ से मेरे बंदों की हिदायत करेगा। इमाम आगे वह हबल और एक ऐसी रस्सी करार दिया है इस कुरान को, एक ऐसी रस्सी बनाया है इस कुरान को जो क्या करती है, मुत्तसिल, जो मुत्तसिल दो दो तरफों को आपस में मुत्तसिल किए हुए। कौन है वो दो तरफ? बहतल मुत्तसिल फीमा बैनक व बैन इबादिक, तेरे अल्लाह तेरे और तेरे बंदों के दरमियान जो कुछ है, जो मामलात है तेरे और तेरे बंदों के दरमियान, उनको जोड़े रखने वाली रस्सी करार दिया तुमने कुरान। यदि जिसने कुरान छोड़ा उसके मामलात अल्लाह से कट गए, जिसने कुरान पकड़ा हुआ उसके मामलात अल्लाह से जुड़े। कौन फरमा रहे हैं? इमाम जाफर सादिक। बेशक मैंने नशर खोला, नशर का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हो तो नशर करना, नशर करना यही खोलना। इतनी नशर मैंने खोला है, नहीं फरमाया मेरी किताब, बाद में फरमाया मेरी किताब, पहले कुछ और था। ये नाम कुरान का याद रखो, ऐ अल्लाह बेशक मैंने खोला है किसको? आहदर का, जो बंदे के साथ तेरा अहद है उसे मैंने खोला, जो तेरा और तेरे बंदों के दरमियान एग्रीमेंट है उसे खोल। कौन एग्रीमेंट बगैर समझे करता आपकी वो पीढ़ी जमीन आपको पता कहेंगे ना गा गाया बड़ा जबरदस्त, आपको प्लॉट मिलते भी आपका पीछे कर आपके जबरदस्त कितना रेट लगा, बहुत ज्यादा रेट था आप जल्दी क्योंकि मैं बस एग्रीमेंट लिखवा के ला रहा हूँ, एग्रीमेंट में साइन कर लें और कुछ पेमेंट आपको भी हो जाएगी, बाकी आपको पेमेंट मिलने के बाद मोदी को आप कुछ कुछ वेट कर वो एग्रीमेंट लिखवा के लाए। मसलन वो एग्रीमेंट लिखा हो, आजकल चाइनीज चल रही है साल में, वो चीनी जुबान में लिखा हो, आप बड़े प्यार से जो पैसे जा रहे हैं तो बड़े अदब से है तो पैसे जा रहे हो तो आप बात करा था किसी भी तरीके ले रहे हैं मुझे पागल हो जाओ अंदर तेरा जो मजबूत तुमने नहीं दिया हो और मुझे फ्रॉड कर रहे, लेकिन चूंकि उसने पैसे जा रहे हो तो पहले मिला था पता चले चाइनीज लैंग्वेज में आप लिख के लाए, आप उर्दू में लिख के लाए, आप इंग्लिश में लिख के लाए, पता तो चले क्या है क्या शरारत किया हुआ है। वो कह रहे हैं अगर बेचना है तो चाइनीज सामान के फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मुझे चाइनीज में या एग्रीमेंट में साइन करने से पहले उस बंदे को चाइनीज आती है उसको ट्रांसलेट करा है। जो बंदा 50 लाख या 40 लाख या 1 करोड़ या 5 करोड़ के प्लॉट के लिए तैयार नहीं है बगैर समझे साइन करे, वो अपनी पूरी आखिरत के लिए बगैर प्लान समझे तैयार हो। उस कुरान को बगैर पढ़े जिस कुरान पढ़ने का उसको उसके अल्लाह ने ताकीद की, उसके रसूल ने ताकीद की, जिस मौलवी के नारे मारता के ठपका उस मौलवी ने ताकीद की, सारे के सारे मासूमीन ने जिसकी ताकीद की, ये इतना समझदार निकला इतना लायक निकला उस कुरान को पढ़ने को तैयार नहीं है, उसके अलावा ही समझ गया जन्नत का एग्रीमेंट पक्का हो गया।
ये हमारी कौम और पूरी उम्मत बदतरीन बीमारियों में से एक बीमारी है और इस बीमारी से कितना खबरदार किया गया है, किसी और चीज से इतना खबरदार किया और किसी भी शौक से मुबतला है, अपनी मर्जी से बगैर समझ के कुरान पढ़ने के वायरस में मुबतला है और अपने आप को बीमार भी नहीं समझते, तो बीमार अपने आप को बीमार समझने बड़ा बहुत अजीब बात है, क्योंकि जो बीमार समझने का इलाज नहीं कराए बीमार भी समझ।
नाम पिटा बताना चाहूँ जो अपनी जिम्मेदारी नाम पिटा का सब शैतान के चक्कर में जो नाम हर काम के लिए उसके हालात के मुताबिक कोई नहीं चलता देख पड़ता इमाम हुसैन कौन सी कौम की तरबियत करना चाहते हैं कुरान कौन सी तरबियत करना चाहते हैं आप सुनिए धर्मी गायब सफर बहुत लंबा था 600 प्लस किलोमीटर आपको पता है मदीना से जम्मू गाड़ी चाड़ी में आकर कोई थी शदीद गर्मी थी फसलें तैयार थी लोगों का दिल नहीं कर रहा था जाने और जाना भी किससे लड़ने का लश्कर रूप से ये मुसलमान छोड़े वो लश्कर बहुत बड़ा बहुत ताकतवर रहे तौर पर तो सारे कह रहे थे कि जिसने जाना है उसने आना जाना कोई नहीं जाना ही है मंदिर मुनाफे की बात कर रहे अभी ये उदार गायब करना जारी है इधर कोई थ्रेट नहीं इधर जाने में कोई थ्रेट नहीं उधर थ्रेट थी अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने आयात नाज़िल की आयत सुने किताब किन से जिनको हम सादा कहते हैं हर रोज रसूल के चेहरे की ज़ियारत करते थे बहुत तवज्जो से सुने हम कहते थे एक ज़ियारत से सारे उनका माफ हो जाते है ना सरी की ज़ियारत की बात करें सरी की ज़ियारत के लिए जाए दूसरे जाते सारे उनका माफ हो जाते ये रोज रसूल के चेहरे की ज़ियारत करते थे कलमा भी पढ़ा हुआ था लेकिन बात भी मान गए सारे ने लेकिन एक तैदा अल्लाह के लफ्ज की आपको पता है ये असली केस है इस्लाम का जब कोई बंदा से कोई एग्रीमेंट है अमल कर रहा है अल्लाह का जन्नत दे तो पेमेंट ही कर दो फरमाया या अल्लज़ीन आमनु ए ईमान वालो मा लकुम मिन फ़ज़लिन इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि क़ाक़लतुम इलल अर्ध जब तुमसे कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में निकलो भारी हो के जमीन पे लग जाता मतलब तुम्हारा वजन 100 किलो था जब 200 किलो हो गया जरा कि तुम पीछे हो जाते कहते ही अल्लाह क्या अब तुम क्या कहते अरबी तो बिल हयात दुनिया में अल आखिर तुम्हारे मिजाज से ये लग रहा है क्या तुम इस दुनिया की जिंदगी पे राजी हो गए हो उधर मौत नजर आ गई हालांकि तुम्हारा ईमान तो कहता है मौत के बाद जन्नत है तो फिर क्यों बैठते हो जमीन से लग कर क्या इस दुनिया की जिंदगी में राजी हो आखिर को छोड़कर अगर नहीं निकलोगे जो हर रोज रसूल की ज़ियारत कर रहे लाख बार ज़ियारत करो जरी के चेहरे की ज़ियारत करो बात ना मानो तो अल्लाह को छोड़ो समझ रहे इल्ला अगर नहीं निकलोगे जो आदिब तुम आदाब तुम्हें अल्लाह दर्दनाक अज़ाब देगा वो यस्तक़बिल क़ौमन ग़ैरकुम और तुम्हें अल्लाह हटा देगा किसी और कौम को तुम पर मुसल्लत कर देगा वला तज़ुर्रुशेगा और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते लिहाजा ये क्या कर दिया भाई साहब हम तेरे रसूल के कलमा पढ़ते थे हम कितनी अच्छी कौम थे तुम खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे अगर तुमने बात ना मानी तुम्हारे ऊपर अल्लाह दूसरों को मुसल्लत करेगा आज मुसलमानों की अक्सरियत पर अगर इंसान आंखें खोल के देखने सही पाए तो दूसरा मुसलत है हत्या के हमारे हुक्मरानों पर भी और मुसलत है दूसरे इनकी जरूरत नहीं होती जब वो सब कलाम बोल दें इनके साथ और ये हमारे लीडर तो जब इस्लाम की शक्ल बिगाड़ के जन्नत कामचोरों को भी जन्नत में पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा फिर मैदान में निकलने वाले लोग बहुत थोड़े रहे फिर दूसरों के दर्द का एहसास करने वाले लोग बहुत थोड़े रहे सुनिए अल्लाह मैंने तेरे अहद को और तेरी किताब अल्लाह इस कुरान में मेरी नजर मेरी कुरान को जो मैं देखूं और फिर इबादत
عبادت قرار دی. اب آپ نے سنا ہوا ہے دیکھنا ہاتھ دیکھنا عبادت نہیں ہوتا. ابن منذر نے بولا ہے تو دیکھا ہی دیکھا. اشعث نے اشعث کندی نے بولا تو دیکھا کہ نہیں دیکھا. کتنا سنا دیا دیکھا. ہر نظر کرنا عبادت نہیں. جب تک کہ جس کو دیکھ رہے ہیں اس کے آگے جھکے نہیں, اس کی اطاعت میں ہو, اس کے ساتھ آزاد ہو. امام حسین کر مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اتنی محبت امام سے ہو رہا ہے لیکن ساتھ تو ملے گا آپ کو اس کا جواب اپنے کیسے باقی ہو جائے گا. تو جب یہاں پہ آپ کے ثواب دینے کے آگے ہو کہ امام حسین کہہ رہے میرے ساتھ آؤ, بندہ چھو رہا ہے امام کی رات, کہہ رہے آپ نے پیا کے دوبارہ سے رسول آپ نہ کرے ساتھ نہیں جا. اس جملے کا کتنا ثواب ملنا چاہیے آپ نے. آپ میں سے بہت سارے یہ والے ثواب ملے. پڑھے لکھے بیچارہ آگے گئے امام کے ساتھ تو دوسرا آگے گھر پہ کہتا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے امام کیوں کہہ رہے ہیں ساتھ کہتا ہے. یہودہ لبیان قرآن کا نام لوگ کہتے ہیں قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, امام حسین کا نام لوگ کہتے ہیں امام حسین کو نہیں سمجھ سکتے. کس کو سمجھو؟ مجھے سمجھو اور مجھے پیسے دو, پیسے دو تو مجھے دین کو سمجھو. اے اللہ اس قرآن میں ہمیں اسی دعا پہ آ جائے گا کون سی نظر ثواب کی ہو. اے اللہ اس قرآن میں میرے دیکھنے کو عبادت کرا. اب سنتے تھے وَقِرَاءَتِ فِيهِ اور اے اللہ اس قرآن میں میری قرآن کو فکر بنا دے. کیا بنا دے؟ فکر بنا دے. وہ والی فکر نہیں کہ آپ آج بیٹھا ہے تو مطلب ختم نہیں ہو رہی اور فکر جو ہے باہر ملنے والی چائے کی طرف پہنچی ہے, وہ فکر نہیں. کہ جب یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تو باہر نیاز ہو صبح سے بھی ہے قرآن میں بتایا گیا اچھی تکلیف جانا ہو. اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے میں جو پڑھوں میری فکر میں بدل دوں. دعا کیا بتا رہا ہے؟ اچھا کس کا قرآن پڑھنا فکر میں بدلے گا؟ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا بولوں؟ ممکن نہیں, امپوسیبل. اس کی قرآن فکر بدلے گی جو پھر نیچے تھوڑا تجمل دے گا دربار کا. بس میری قرآن میں جب میری فکر بن جائے تو میں سوچتا ہے اگلا وَفِكْرِ فِي اِعْتِبَارِ اور پھر وہ میری قرآن کو فکر بنا دے, اس فکر کو عبرت حاصل کرنا بنا دے. سوچ کے میں سمجھوں, میں قرآن پڑھوں, میں دیکھوں کیوں یہودیوں کو اللہ نے فضیلت دینے کے بعد منع کی. کیوں؟ عبرت. غور سے اسباب کو دیکھوں جو اللہ کہہ رہا ہے ان کو ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی اور وہی اللہ کہہ رہا ہے تم پہ لعنت کر دیں. یہ عالمین پر فضیلت لعنت میں اونچ آسمان سے زمین پر کیسے آتا ہے؟ قوم کیسے کوئی قوم آتی ہے؟ کیا حرکت ہے؟ کیا کیا آتی ہے؟ میری فکر کو اعتبار, عربی میں اعتبار کا معنی ہوتا ہے عبرت لے لینا. یہ معنی ہے. جتنی باتیں آ رہی ہیں نا ان میں سے کوئی بھی بغیر سمجھے پڑھنے سے نہیں آتا. جو سمجھ کے پڑھے گا یہ اس کے لیے, دوسرے کے لیے ہے. اور اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے دے, مجھے ان لوگوں میں بنا دے, قرار دے دے کہ جو اس قرآن میں تمہیں نصیحتیں بیان کی ہیں ان کا اثر لیتے ہیں اور پھر تیری نافرمانی
अल्लाह से इख्तलाफ करें। उसको कुरान में कौन सा असर बताया गया है? आयात ही व अहकामहु आखिरन बिशरार यकीन
आप मुझे मुझे टाइम दिया होगा, मैं पूछिए आप क्या था आपके टाइम मुझे मुझे नहीं पता, तब आपको पता चलेगा कि आपके उधर की लेकिन कौन सा किलो होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा दुआ पढ़ते में जहाज में पहुंचे होते और कौन से दोस्त आए हुए आदमी उनसे मिलना मेरे दिन का पता नहीं है, पता नहीं है दुआ मांगो अल्लाह की मेहरबानी होगी। शौक वरना अपनी जगह पर
वही हक है जो अल्लाह की किताब में फरमाया, और किसी भी मासूमीन ने अलैहिस्सलाम ने कहा किसी किताब को तर्क के हर चीज से कबूल करना, कबूल करनी भी है करीम और मोहम्मद और आले मोहम्मद का सदका हमको कुरान में कैद की सकलैन की तालीमात को पढ़ने की, समझने की, उनके साथ जिंदगी गुजारने की और अपनी आइंदा नस्ल को ज्यादा संजीदगी के साथ उनकी तरबियत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम और मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके जितने मोमिनीन नाम पर शरीक हुए हम सब को माह मुबारक के रमज़ान की बेहतरीन बरकतें नसीब फरमा। परवरदिगार इस महीने में हमें हकीकी मानों में अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। इस महीने में जिनको जहन्नम की आग से तू आज़ाद फरमाएगा हमारे नामों को कुल हुक्मों में शुमार फरमा। परवरदिगार तमाम को मेरी दुआ तशरीफ फरमाए। हमारे महबूबीन को जिस तरीके से जा चुके हैं परवरदिगार के दर्जा को बुलंद फरमा। क्या परवरदिगार बेगुनाह असीरों को रिहाई अता फरमा। वो बच्चे वो बच्चियाँ वो माएँ बहनें बेटियाँ जो अपने जबरी गुमशुदा असीरों की रिहाई के लिए अल्लाह की तरफ और अल्लाह के बाद अपनी कौम की हिमायत की तरफ नजर उम्मीद लगा कर बैठी हैं, ऐ अल्लाह की नुसरत और मदद करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। और ऐ अल्लाह उन असीरों को जल्द अज जल्द कैदों से रिहाई अता फरमा। ऐ परवरदिगार हमें अपने दीन को समझने की और अपनी जिम्मेदारियों को अपने अहद को जो तेरे साथ हर मोमिन का होता है उसको समझ